हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से आने वाली है और हम जा रहे हैं वस्त्राल। दोस्तों अभी एक जो है प्रॉब्लम हो चुका है, एक्चुअली हम लोग को उतरना था अमराईवाड़ी स्टेशन की तरफ, ब्लॉग। तो आप सबका एक बार स्वागत है अपने नए YouTube चैनल पे और नए ब्लॉग में। तो इस बार मैं आपको ये ब्लॉग में लेके आ चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है खोखरा मेट्रो स्टेशन है। तो आज आपको ये मेट्रो की जो है टूर देने वाले गाइस, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, चलते हैं गाइस कैसा रहता है। चालू है मेट्रो चालू है दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं ऊपर और ये जो है मेट्रो स्टेशन है खोखरा का। तो खोखरा से जो ये ट्रेन जाती है वस्त्रा की तरफ, उसका टिकट वगैरह क्या रहता है आप लोगों को जो है कंप्लीट टूर देंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा और ब्लॉग जो है एंड तक ज़रूर देखना गाइस। टिकट अच्छा स्कैनिंग करना है ना यहाँ से, ये बैग यहाँ से डाल दो। तो दोस्तों ये है और यहाँ पे जो है 20 रुपीज़ हमने पे किया है। तो खोखरा से जो है ट्रेन जाती है वस्त्राल और वस्त्राल गांव की तरफ। कहाँ से ये बैग जो है इसके अंदर जो स्कैन होने के लिए चला गया है। ओके थैंक यू। दोस्तों ये है खोखरा का मेट्रो स्टेशन। ये ओपन टोकन रखना रहता है, अभी गेट हुआ ओपन तो इसे टोकन लेके नीचे जाना पड़ता है, एक एक करके एक एक बार। अच्छा इसे ये टोकन आता है, अब निकल जाइए। ओके थैंक यू। ऊपर से जाना ऊपर। ओके अंकल थैंक यू। तो दोस्तों ये थी कुछ इस तरह की प्रोसेस। आपको जो है 10 रुपीज़ का एक टोकन लेना रहता है और वहाँ पे जो ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है वहाँ पे ये टच करेंगे, उसके बाद ही ओपन होगा, देन यू कैन गो प्रोसीड टू। और यहाँ पे जो एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर हमको लेके चलेगी ऊपर की तरफ। और ये है अपने जा रहे हैं हम लोग वस्त्राल। खोखरा से जो है स्टार्ट होती है और उसके दो स्टेशन है, एक वस्त्राल जाती है और वस्त्राल गांव जाएगी। तो अभी हमने जो टोकन लिया हुआ है वस्त्राल की तरफ। कैसे करना अंकल? हाँ 20 पे आएगी, 5-20 पे। अच्छा मतलब 5-10 हो चुके, 20 पे आ जाएगी, 5-20 पे। तो गाइज अभी हमने टिकट लिए, तो ये अभी जो है 5:10 हो चुके हैं और ट्रेन आने वाली है 5:20 पे। तो चलिए दोस्तों अभी 10-15 मिनट वेट करेंगे, 10 मिनट का ही वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। गाइज आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन जो है पूरा खाली है, बाकी पब्लिक इतनी जो है यूज़ नहीं करती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रास्ते वही है, रास्ते बड़े नहीं हो रहे। हाँ रास्ते बड़े नहीं हो रहे। सही है।
जैसे कि आपका नाम क्या है, आपने बताया कि 12 स्टेशन और चालू होने वाले। हाँ वो लिखे ना आगे। अच्छा लिखे वो। तो अभी दोस्तों अहमदाबाद के अंदर किया ना वो इधर का स्टेशन। अच्छा मतलब ये अभी 6 स्टेशन वर्किंग है जैसे आपने बताया। तो दोस्तों अहमदाबाद के अंदर अभी जो 6 वर्किंग स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में है। और उन्होंने सिक्योरिटी ने बताया कि जो आने वाले जो है अगस्त मंथ में या आने वाले साल में ये 6 की जगह टोटल 12 जो है स्टेशन और खुलने वाले हैं। तो कौन कौन से स्टेशन वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनेगी, तो ये सब सारे जो एरिया के नाम हैं, थलतेज है, फिर दूरदर्शन केंद्र होने वाली गुरुकुल रोड पर, गुजरात यूनिवर्सिटी, कॉमर्स 6 रोड। तो गाइस ये आ चुके हमारी मेट्रो। अभी फिलहाल अहमदाबाद के अंदर जो है 6 स्टेशन वर्किंग कंडीशन में, और इन द फ्यूचर ये जो सारे स्टेशन जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये जो है वर्किंग कंडीशन में होने वाले। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से आने वाली है और हम जा रहे हैं वस्त्राल, और वस्त्राल गांव की तरफ होते हुए जाएंगे। वैसे दोस्तों ये बनाया तो बहुत अच्छा है पर यहाँ पर लोग जो इतना अवेयर नहीं है। हो सकता है मे बी अगर फ्यूचर में और सारे जो है मेट्रो स्टेशन बनेंगे उसके बाद जो है लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो ये जैसे कि इसको भी ओपन हुए शायद 1 साल हो चुका है पर इतने पब्लिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है गाइस। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 5:15 हो चुके हैं, और पहले एक्चुअली हम लोग GoPro लेके आए हुए थे तो उन्होंने जो है अलाउड नहीं किया। अच्छा तो उन्होंने बोला कि GoPro वगैरह कैमरा में अलाउड नहीं है, तो आप जो है अगर शूट करना है तो मोबाइल के अंदर जो शूट कर सकते हैं। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोस्तों आईफोन के अंदर, और जो बाहर के शॉट जो आप देखोगे वो हमने GoPro में लिए हुए हैं। तो अभी 5 और बचा हुआ है हमारी ट्रेन को आने के लिए। चलिए दोस्तों वेट करते हैं ट्रेन का। तो दोस्तों फिर से जो है बारिश चालू हो चुकी है और अभी वक्त हो चुका है दोस्तों 5:25 हो चुके हैं। बस ये थोड़ी देर में दोस्तों आने वाली है, 5:20 की ट्रेन थी, थोड़ा 1-2 आगे पीछे हो रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे दोस्तों मेट्रो आने का, और उसके बाद आप लोगों को मेट्रो का जो है सफ़र आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। दोस्तों ये जो है मेट्रो फुल्ली एसी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग मेट्रो के अंदर आ चुके हैं और जो मेट्रो थी इसका पिक्चर कराया, तो ये मेट्रो जो है चलना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। मेट्रो जो है इसका जो पिकअप भी बहुत ही बढ़िया, और अंदर से फुल्ली एसी है। मुझे लगा था शायद अंदर एसी नहीं होगा पर बहुत ही ठंडी हवाएं आ रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इसकी आप जो है स्पीड देख सकते हैं गाइस। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वस्त्राल गांव। हमने जैसे कि आपने देखा हमने जो ट्रेन पकड़ी थी पोखरा स्टेशन से, और अभी हम जाएंगे वस्त्राल की तरफ। उसके बाद जो है तो ये दोस्तों आ चुका है रबारी कॉलोनी स्टेशन, आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बैठेंगे अभी मेट्रो ट्रेन के अंदर। दोस्तों एक्चुअली बाइक जो हमने रखी है वो पोखरा स्टेशन पर रखी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे वस्त्राल गांव, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे खोखरा मेट्रो स्टेशन की तरफ, और उसके बाद बाइक लेके हम लोग चलेंगे घर पे गाइस।
ऑर्डर है और 10 रुपीज में आप लोगों को क्या चाहिए इतना जल्दी पहुँच जाते पता नहीं चलता। टिकट ली थी बस्ट्रल की तरफ और 5 या 7 मिनट हुआ है और हम लोग बस्ट्रल पहुंच गए हैं और टाइम सेविंग भी है जैसे आप लोगों को पता है मुंबई में जैसे लोकल है टाइम सेविंग रहता है और ऑलमोस्ट मुझे टाइम हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं 5:30 हो चुका है और हम लोग पहुंच भी गए। चल जाओ क्यों वहाँ से हम लोग परमिशन लेके आए फोन में बना सकते हो बोला नहीं बोला वहाँ से हम लोग बना रहे हैं खोखरा स्टेशन से खोखरा स्टेशन पत्रकार नहीं अपना यूट्यूब पर चैनल है हा? चैनल है यूट्यूब पे मेरा परमिशन उन्होंने बोला हम लोग इसमें ही आपके सिक्योरिटी वाले तो बैठते ना लेकिन अभी हमारे स्टेशन में ऐसे कोई नहीं है तो भाई अलग अलग स्टेशन है क्या वहाँ से उन्होंने बोला कि भाई आप बना सकते मोबाइल में बना सकते सर अप्रैल पार कहाँ ले रहा है अप्रैल पार्क ही है ना वो वो जो कॉइन हमको मिलेगा कॉइन अच्छा इसके अंदर कैश अंदर डालना है ये मशीन क्या बोल रहा है तो एक्चुअली ये मशीन वहाँ पे नहीं थी ना अप्रैल पास वहाँ पे उन्होंने कॉइन दिया अच्छा इसके अंदर आ जाएगा ना हिंदी को इंग्लिश करो ना इंग्लिश इंग्लिश करो तीन लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश तो सीख पाचे तो चाहे अभी एक ही रोड हमारा था ये जो आता है ना वो आप स्टेशन पे अभी आपको कोई पर भी एक बार बात कर चाहे एक बार अमरावाड़ी भवानी कॉलोनी फिर वस्त्रा जो इधर आप कार्ड होता है ना तो टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ती जो डेली के हमारे पैसेंजर है उनको हम कार्ड ही दे देते हैं फिर कैश करने के सिस्टम अच्छा है फॉरेन ट्रांजैक्शन अभी हो गया है कुछ करना है कॉइन्स आ रहे हैं अच्छा खुद भी कर ओके थैंक यू यार ये मेरे तो इसमें तो अच्छा ये पॉइंट अच्छा ओके ओके थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ का जो सिस्टम मानना पड़ेगा बहुत ही अच्छा है टिकट विंडो का अगर क्राउड ज़्यादा है तो आप ये सेल्फ जो मशीन जो उन्होंने मैडम ने बताया वहाँ से आप खुद से भी नोट डाल के कैश या कार्ड से आप जो है वहाँ पे अपनी टिकट ले सकते हैं कॉइन ले सकते हैं तो ये सिस्टम मुझे दोस्तों बहुत बढ़िया लगी जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया तो मुझे तो लगा था कि मेट्रो से टिकट लेना है और आपको जाना है बाकी ये सिस्टम जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है जो फॉरेंस वगैरह में सिस्टम होता है ट्रांजिट सिस्टम जो होता है वो पूरा अहमदाबाद में जो एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अहमदाबाद के अगर सारे मेट्रो स्टेशन बन जाएंगे उसके बाद ही पब्लिक यहाँ पर जो है धूम मचाने वाली है और 10 रुपीज़ में तो यार दोस्तों आप लोगों को क्या चाहिए उसके बाद जो है लोगों को पता चलेगा।
तो हमारी मेट्रो आ चुकी है और अभी हम जाएंगे खोखरा स्टेशन की तरफ और ये है अप्रैल पार्क। रेल के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो इसका रूट भी दिया गया है, ये ट्रेन कहाँ कहाँ पे स्टॉप करी है और कहाँ पे कौन सी स्पीड में चलती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। हमारे जो अप्रैल पार्क जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो हमारा टोटल जो एक्सपेंस हुआ है 40 रुपीज़, 20 रुपये जाने का और 20 रुपये आने का, तो 5 मिनट इतना वक्त लगा हमको यहाँ से आने के लिए। और बहुत ही बढ़िया है यहाँ का एक्सपीरियंस आपको एक बार आने से, ये तो फिलहाल मुझे स्टार्ट नहीं हुई बंद है ये। दोस्तों हमारा जो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और ये जो मेट्रो है अहमदाबाद के अंदर सक्सेस होने वाली है मुझे ऐसा लगता है, और इसके अंदर एसी वगैरह बहुत ही बढ़िया लगा हुआ है और पूरी नई मेट्रो जो है बनी हुई है। जैसे कि उन्होंने बताया था जैसे जैसे मेट्रो स्टेशन बनेंगे उसके बाद जो है अहमदाबाद में ये मेट्रो और भी डेवलप होने वाली है और लोगों को पता चलेगा उसके बाद जो है लोग ज़्यादातर अमाउंट में लोग ट्रैवल करेंगे। दोस्तों मैं ऐसा बोलूँ हाँ कोई भी शहर जा सब गेट जा। चलिए तो दोस्तों जो सिक्का जो इसे आपने देखा, सिक्का आप लोगों को लेके नहीं जाना है, लास्ट में अगर आप एग्जिट करते हैं तो सिक्का जो आप लोगों को जो मशीन है उसके अंदर डाल लेना है। सिक्का जैसे आप ड्रॉप करेंगे उसके बाद जो है सिस्टम ओपन हो जाएगा, उसके बाद एग्जिट कर सकते गाइस। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये था हमारा मेट्रो का एक छोटा सा सफ़र जो कि हमको पड़ा 40 रुपये में, बहुत ही अच्छा था। बाइक जो है नीचे रखा हुआ है, बाइक लेके जाएंगे हम लोग सीधा घर पे। आपको आज का जो वीडियो अच्छा लगा होगा और यह मेट्रो का जो स्टेशन है, मेट्रो का जो सिस्टम है, आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप आते हैं ये ब्लॉग देख के तो आपको जो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाई को जो है सपोर्ट करें। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, और मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे अच्छे और नए ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए गाइस।